बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे इसमें दलित समाज, मुस्लिम समाज या बहुसंख्यक समाज कह लें हम। उमर खालिद जी हमारे बीच में है और ये बहुत अरसे से ये समाज की सेवा कर रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं उनकी बात उठा रहे हैं। उमर खालिद जी, आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ भीम आर्मी का, तो इसका आज क्या मकसद था? देखिए, आप जानते होंगे पिछले 6 महीने से साधी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भीम आर्मी के फाउंडर हैं, उनको जेल के अंदर बेबुनियाद मुकदमों में डाल के उनको बंद करके रखा है। और ये मुकदमे बेबुनियाद हैं, ये सामने आ गया जब उनको सारे केसेस में बेल मिल गया, ऑलमोस्ट सारे केसेस में बेल मिल गया। लेकिन ये सरकार इतना डेस्परेट है एक दलित की आवाज़ को दबाने के लिए कि उनको बेल मिलने के 24 घंटे के कम में ही उन पर रासुका लगा के उनको फिर से जेल के अंदर बंद करके रखा है। और ये दिखाता है कि योगी सरकार आज एक संगठित दलित आंदोलन से कितना डरता है कि वहाँ के दलित जो संगठित हो रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, उनको दबाने के लिए वो इस हद तक जाएगा कि रासुका जैसे काले कानूनों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ़ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन दलितों के जिनके घर जलाए गए सहारनपुर के अंदर 5 मई को, उनको इंसाफ मिले। जिन लोगों ने वहाँ दबंगी गुंडे, संगी गुंडे जो हैं, जिन्होंने दलितों के घर जलाए, दलितों पर हमला किया, उनको जेल हो, उनको सज़ा मिले, इस डिमांड को लेकर भी हम आज यहाँ यूपी भर में इकट्ठा हुए हैं। उमर खालिद जी, आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आपने यहाँ एक एप्लीकेशन दी और परमिशन ली, उसके बाद में आपको ये जो कर्नाटक भवन है इसके सामने ही आपको धरने प्रदर्शन नारेबाजी लगानी पड़ी, तो आपको यूपी भवन तक नहीं जाने दिया? देखिए, यूपी भवन तक नहीं जाने दिया और पुलिस ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, मारपीट करी, लोगों के कपड़े फाड़ दिए, लोगों को मारा, घूसे मारे। ये दिखाता है, मैं पूछना चाहूँगा योगी सरकार से, अगर योगी आदित्यनाथ आपका चैनल सुन रहे हैं, कि हम कहाँ जाएँ आपके खिलाफ विरोध करने के लिए? आप दावा करते हैं कि आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, आप दावा करते हैं कि आप एक लोकतांत्रिक प्रोसेस से निकले हुए नेता हैं, आपको जनता ने वोट दिया। अगर जनता आपसे सवाल पूछना चाहेगी या जनता आपको कोई डिमांड रखना चाहेगी तो कहाँ जाए? दिल्ली के अंदर जंतर मंतर जहाँ विरोध होते थे तो सरकार ने ऑलरेडी बंद कर दिया है। आज यूपी भवन के सामने भी हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, आज हमको ज्ञापन भी देने नहीं दिया जा रहा। और अगर आप ज्ञापन नहीं देने देंगे और अगर आप पीसफुली हमको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको आपके विधानसभा के अंदर घुस के आपको वहाँ से निकाल कर आपके शासनकाल को खत्म करेंगे। और ये हमारा आपसे वादा है कि संघ की जो सरकार है उसको लग रहा है पूरे देश में, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में, कि वो आतंकित करके वंचित समाज को, दलितों को, मुसलमानों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को दबा सकती है। तो आप ये पूरा जो आइडिया अपने दिमाग में है कि आप दबा लेंगे हमको, ये आइडिया आपको आप हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग दबने वाले नहीं हैं। देखिए, ये तो संविधान को मानते ही नहीं है, तो मनुस्मृति को मानते हैं और मनुवाद को मानते हैं। मनुवाद मनुस्मृति के हिसाब से जहाँ आपकी पैदाइश होगी वही आपका समाज में जगह तय करेगा। अब उस मनुस्मृति की विचारधारा में दलितों का, मुसलमानों का, महिलाओं की कोई जगह ही नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के हमले कर रहे हैं। उस जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं योगी साहब, राम राज्य की बात करते हैं, यही वो सच्चाई है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हमने देखा अखलाक के केस में क्या हुआ, अखलाक को वहाँ गौरक्षकों ने जाके मार दिया, गाय गाय के नाम पे उसकी हत्या हो गई, 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर इंसाफ मिला? नहीं मिला। जो लोग केस में अक्यूज थे, जिन्होंने काम अंजाम दिया, उन लोगों को बेल मिल गई है, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है। तो यहाँ गुंडों का राज है और गुंडों को छूट है, और अगर आप इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे तो आपको अंदर जेल में डाला जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। लेकिन योगी साहब, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन इंसाफ की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। धन्यवाद।